है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। आज हम सीखने वाले एक नया टॉपिक। ये जो नया टॉपिक है इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन मतलब हमारा ऑलरेडी हो गया है, पर वो कैसा वाला हुआ है? वो हुआ है 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट, और जो हम आज सीखने वाले हैं ये है 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़कर सीखने वाले हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो वो पहले हो गया है, पर ये जो टॉपिक है 3 × 1, तो ये एक नया टॉपिक है, ये आज हम सीखेंगे और फिर आप भी अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट। तो चलो फिर सीखते हैं। पर अगर आपको ये सीखना हो तो आपका पहले है ना 2 डिजिट × 1 डिजिट आपको आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन है ना। तो वो अगर आपको आता हो तो आपको ये इजी जाएगा। और अगर आपको 2 डिजिट × 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको देखने हो तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप ज़रूर देख लो डिस्क्रिप्शन में से, और वो सीख लो। उसका फर्स्ट पार्ट देखो, और टोटल 11 वीडियोस है, तो आपको जितने भी देखने हो तो देख लो, क्योंकि सभी वीडियोस में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व किए आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको वो प्रैक्टिस करने तो आप वो सभी वीडियोस देख सकते हो, और उसके बाद आप ये सीखो 3 डिजिट × 1 डिजिट, क्योंकि वो सबसे बेसिक है 2 × 1, उसके बाद 3 × 1। तो चलो फिर आज का हम ये शुरू करते हैं। तो हम तो इसमें भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे 2 × 1 था ना वैसा ही ये, बस इसमें 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ गया है, जो पहले 2 डिजिट था अब ये 3 डिजिट हो गया है। तो हमारा बस आंसर जो प्रोडक्ट होगा तो वो उसके डिजिट ज़्यादा आएंगे, वो ज़रा सा बड़ा आ जाएगा, पर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एबेकस पर हम बहुत ही ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फिंगर्स ये रॉड्स पर प्लेस करने हैं। अब ये मेरा यूनिट रॉड है और ये टेंस रॉड है, तो मैंने मेरे फिंगर्स यहाँ पर ऐसे प्लेस किए हैं। आप भी ऐसे अपने एबेकस पर फिंगर्स प्लेस कर लो। ये एक काइंड ऑफ मेथड है सीखने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो आप ये ज़रूर करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अपना एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 3 × 721। अब ये यहाँ पर हमें दिया है 3 × 1 डिजिट × 2 डिजिट, तो इसलिए मैं ये रो नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये ले रहा हूँ। तो आप इस पर फोकस करो, 3 × 721 यह हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस 3 से पहले तो इस 3 डिजिट नंबर के फर्स्ट मतलब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 1, तो 3 × 1 या तो 3 होते हैं, तो वो 3 आएंगे यूनिट रॉड पर। ओके, अब आपको क्या करना है, अपने फिंगर एक रॉड आगे शिफ्ट करने हैं, जैसे हम 2 डिजिट में करते थे 2 × 1 में। तो अब मैंने फिंगर शिफ्ट कर लिए, आप भी कर लो। फिर आपको क्या करना है, इस 3 से मतलब इस सिंगल डिजिट नंबर से इस 3 डिजिट नंबर के 10th डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 2, सो 3 × 2 = 6। अब ये भी यूनिट रॉड पर आएगा, तो ये मेरा यूनिट रॉड हो गया है अकॉर्डिंग टू आर फिंगर्स। अब आपको फिर से एक रॉड आगे फिंगर शिफ्ट करने हैं, ये एक और स्टेप बढ़ जाएगी इस 3 डिजिट × 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिजिट है, इसलिए हमको फिंगर शिफ्ट करने पड़ेंगी। और फिर आपको फाइनल करना है, इस 3 से 7 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस सिंगल डिजिट से 100 वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 7 = 21, तो ये 20 ये 1। सो इसके साथ अपना आंसर आ गया है, आप देख सकते हो ये है 2163, मतलब 2163। ये है अपना आंसर, आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा 3 × 721 = 2163। और बहुत ही इजी मेथड है, आपको बस इस सिंगल डिजिट नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो भी कैसे, यूनिट टेंस हंड्रेड, ऐसे सीक्वेंस बस आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा उल्टा जाओगे 100 टेंस यूनिट, तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग आ जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, यूनिट टेंस हंड्रेड ऐसा
उल्टा आ जाना है, राइट टू लेफ्ट। ये बस आप याद रखो, फिर आपको ये इजीली जमेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है ये भी। उसके बाद है 4 × 8 = 31। अब मैं फिर से 4 से इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूँगा। 4 × 1 = 4, फिंगर करो शिफ्ट, एक रॉड आगे। फिर क्या करूँगा, 4 से 10 डिजिट को करूँगा मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 3 = 12, तो ये 12, फिंगर करो एक रॉड आगे शिफ्ट। फिर क्या करूँगा, 4 से 100 डिजिट को मल्टीप्लाई करूँगा, सो 4 × 8 = 32, सो ये 30 और ये 2, सो अपना आंसर है 3324, मतलब 3324। उसके बाद हमें दिया है 6 × 312, तो अब ये 6 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 × 2 = 12, फिंगर करो शिफ्ट। फिर 6 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 × 1 = 6, फिंगर करो शिफ्ट। फिर 6 × 3 = 18, ये 18, सो 1872, मतलब 1872 इज द आंसर। फिर है 5 × 211, सो 5 × 1 = पहले तो 5, फिंगर करो शिफ्ट। फिर 5 से फिर से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, वो भी 10 डिजिट नंबर है, 5 × 1 = 5, अब करो फिंगर शिफ्ट। फिर 5 × 2 = 10, ये 10, सो 1055, मतलब 1055। देखो कितना फास्ट हो जाता है, मतलब 3 × 1 कितना बड़ा एग्जाम्पल होता है, मतलब 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो अपना आंसर भी बहुत ही बड़ा आता है। पर इस एबेकस पर बहुत ही जल्दी, कुछ 5-6 सेकंड में ही आंसर आ जाता है, तो आप ये ज़रूर सीखो। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको उस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ये भी एग्जाम्पल सॉल्व करो, आपके बुक्स में जो भी होगी वो भी सॉल्व करो, फिर आपको भी ये बहुत ही ईजी लगेगा। फिर है 2 × 412, सो 2 × 2 = 4 पहले, फिंगर करो शिफ्ट। फिर 2 × 1 = 2, फिंगर शिफ्ट। फिर 2 × 4 = 8, ये 8, सो 824 इज द आंसर, 824। फिर 8 × 123, सो पहले तो 8 × 3 = 24, आपको यूनिट 10s, 100s ऐसे जाना है, ये आप याद रखो। सो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई किया, वो है 24, फिंगर किए शिफ्ट। फिर क्या करना है, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा 16, 8 × 2 = 16, फिंगर शिफ्ट अगेन। फिर 8 × 1 = 8, ये 8, सो 984, मतलब 984 इज द आंसर, 984। उसके बाद दिया है 9 × 4 = 56, अब 9 × 6 = 54, फिंगर शिफ्ट। 9 × 5 = 45, अब ये 40 ले और 5 तो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये 5 वाला जो अपर बिट है ये ऑलरेडी काउंटिंग में है, तो उसके लिए बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला और साथ ही डबल कॉम्बिनेशन वो है −5 + 10। ये −5 तो किए पर +10 भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये सभी बिट्स काउंटिंग में है, तो उसके लिए फिर से +10 = −40 + 50, मतलब +1 = −4 + 5। ये सभी हमारे सेकंड लेवल में ऑलरेडी हो गया है, तो आप वो सेकंड लेवल में देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिग फ्रेंड्स और डबल कॉम्बिनेशन दोनों अलग टॉपिक है, मतलब बिग फ्रेंड्स तो फॉर्मूले है और डबल कॉम्बिनेशन भी फॉर्मूले है, पर वो एक स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड के फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए वो डबल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो आप ज़रूर देखो उस प्लेलिस्ट में से, फिर आपको ये समझ में आएगा। अब मैंने ये किया, अब ये फिंगर यहाँ पर आएगी। फिर 9 × 4 = 36, ये 30 और 6 के लिए डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +6, वो है −5 + 1 + 10, ये भी डबल कॉम्बिनेशन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो अपना आंसर है 4104, मतलब 4104। फिर है 7 × 210, सो 7 × 0 = 0 होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी बीड्स ऐड नहीं करेंगे, पर फिंगर शिफ्ट करना कंपलसरी है। फिर 7 × 1 = 7, फिंगर शिफ्ट। फिर 7 × 2 = 14, ये 14, सो 1470, मतलब 1470 इज द आंसर। फिर हमें दिया है 8 × 111, सो 8 × 1 = 8, फिंगर शिफ्ट। फिर से 8 × 1 = 8, फिंगर शिफ्ट। फिर से 8 × 1 = 8, यहाँ पर 111 था ना, इसलिए 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, ये रिपीट हो गया, सो अपना आंसर है 888, मतलब 888। फिर 9 × 222, सो 9 × 18, फिर फिंगर शिफ्ट। 9 × 2 = 18,
फिंगर शेप, फिर से 9 to the 18। सो ये अपना आंसर है जो है 1998, मतलब 1998। फिर है 556 into 5, 5 6 पहले तो 30 फिंगर शिफ्ट, फिर है 5 5 25, 25 फिर है फिंगर शिफ्ट करना है, फिर 5 5 25 अगेन। फिर अपना आंसर आ गया 2780, मतलब 2780। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर ये चेंज हो गया है, पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर और यहाँ 3 digit, पर यहाँ पर इस एग्जांपल में 3 digit और ये 1 digit। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इनकी जगह एक्सचेंज हो गई है, इंटरचेंज कर दिए जगह। पर आपको याद रखना है, आपको यूनिट टेंस हंड्रेड ऐसे मल्टीप्लाई करना है, वो भी सिंगल डिजिट से इस 3 digit को, चाहे वो पहले सिंगल डिजिट दे या फिर पहले 3 digit दे। तो ये बस आपको याद रखना है, आपको इस राइट से लेकर लेफ्ट तक जाना है, या भी राइट से लेफ्ट या भी राइट से लेफ्ट, वो सेम ही है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी आ सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे। फिर है 885 into 4, 4 5 20 फिंगर शिफ्ट, 4 8 32, ये 32 फिंगर शिफ्ट, 4 8 फिर से 32, 30 तो लिया, 2 के लिए -3 + 5। सो और आंसर इज 3540, मतलब 3540। फिर है 326 into 6, सो 6 6 36 फिंगर शिफ्ट, 6 2 12, तो -3 + 5 किया, +2 के लिए फिंगर शिफ्ट, 3 6 18, मतलब 6 3 18, वो बात तो एक ही है। सो 1956, मतलब 1956 इज द आंसर। फिर उसके बाद है 738 into 7, सो 7 8 56 फिंगर शिफ्ट, 7 3 21 फिंगर शिफ्ट, 7 7 49, 40 और 9 के लिए -1 + 10, -1 तो किया, पर यहाँ पर +10 तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए -4 + 5। सो अपना आंसर है 5166, मतलब 5166। फिर लास्ट एग्जांपल है, इसमें दिया है 715 into 2, सो 2 5 10 फिंगर शिफ्ट, 2 1 2 फिंगर शिफ्ट, 2 7 14, सो आर आंसर है 1430। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही एंड होता है। आई होप आपको ये एकदम नया वाला टॉपिक 3 digit into 1 digit समझ आया हो। आप बस इस प्रैक्टिस करते रहो, इस पर मैं आगे बहुत सारे वीडियोज़ लाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और आईबीएस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।